हेलो एवरीवन, अगर आपको संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी अंबिकापुर या छत्तीसगढ़ के अन्य किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन के बारे में जानना हो या फिर एमएनसी एंट्रेंस, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस या सीएसआईआर नेट, गेट, डीबीटी, जेआरएफ, आईसीआर नेट, आईसीएमआर, जेआरएफ, जेएनयू, बीएचयू, डीयू, जीजीयू यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, सीयू, सीईटी या पीएचडी एंट्रेंस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको जानना हो तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के थ्रू आपको मिल जाएगी। आप दिए गए ईमेल एड्रेस पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी पार्ट सेकंड प्रैक्टिकल के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट को प्रैक्टिकल के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और प्रैक्टिकल में क्या क्या लिखना है इन चीज़ों के बारे में अभी भी पता नहीं है। इतना सब कुछ बताने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न है, या फिर कुछ स्टूडेंट क्लासेस अटेंड नहीं किए थे तो उनको क्या है, बहुत सारे टॉपिक्स पे डाउट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इनके बारे में, ताकि आपकी जो भी डाउट्स हैं वो सारी क्लियर हो जाएँ और आपको क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उन सभी के बारे में पता चल जाए। तो यहाँ बीएससी पार्ट सेकेंड प्रैक्टिकल में आपके मेजर डिसेक्शन, ठीक है, मेजर डिसेक्शन से 10 मार्क्स हैं। एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एवोल्यूशन 5 मार्क्स, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन अप्लाइड जियोलॉजी अगेन 5 मार्क्स, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एनिमल बिहेवियर अगेन 4 मार्क्स, ये 4 मार्क्स का है। स्पॉटिंग में टोटल आपको एग्ज़ाम में 8 स्पॉटिंग दिए जाएंगे, जिसमें से 4 स्लाइड्स होंगे, 2 बोन्स होंगे और 2 स्पेसिमेन, तो टोटल आपका 16 मार्क्स की स्पॉटिंग है। वाइवा आपका 5 मार्क्स का और सेशनल आपके 5 मार्क्स के। तो इसमें से ये जो प्रैक्टिकल हैं, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एवोल्यूशन, अप्लाइड जियोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, ये सारे प्रैक्टिकल्स आपको मैं कराऊंगा और कुछ प्रैक्टिकल्स मैडम कराएंगी। मेजर डिसेक्शन पे, मेजर डिसेक्शन में आपको क्या क्या लिखना है, तो मेजर डिसेक्शन पे आपको मेनली लिखना है डॉग फिश, स्कॉलियोडॉन के बारे में, स्कॉलियोडॉन के बारे में आपको मेजर डिसेक्शन लिखना है। हार्ट एंड अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज, ये आपका सेकेंड टॉपिक है मेजर डिसेक्शन में। इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज, ये थर्ड टॉपिक, और क्रेनियल नर्व, ये फोर्थ टॉपिक। तो ये 4 टॉपिक्स पे आपको क्या करना है, मेजर डिसेक्शन परफॉर्म करना है, प्रैक्टिकल करना है और आपको अपनी कॉपी में लिखना है, प्रैक्टिकल नोटबुक में। नेक्स्ट हम लोग बात करें एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एवोल्यूशन, आपको एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एवोल्यूशन इसमें 2 प्रैक्टिकल्स लिखने हैं। तो देखिए कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं, स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हार्श विद द हेल्प ऑफ मॉडल चार्ट। तो आपको हार्श की एवोल्यूशन, जिसको थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका क्या करना है, प्रैक्टिकल लिखना है। नेक्स्ट देखिए, स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस विद द हेल्प ऑफ मॉडल चार्ट। तो आपको ह्यूमन के एवोल्यूशन का मॉडल या चार्ट बनाकर स्टडी करना है, ये भी आपको प्रैक्टिकल में लिखना है। नेक्स्ट थर्ड है एक्सरसाइज बेस्ड ऑन अप्लाइड जियोलॉजी, तो आपको अप्लाइड जियोलॉजी पर आधारित एक एक्सपेरिमेंट लिखना है। तो इसमें से आपको 2 एक्सपेरिमेंट लिखना है, ध्यान दीजिए, स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वार्म। तो सिल्क वार्म की जो लाइफ साइकिल है उसको क्या करना है, आपको इसके बारे में, इसकी लाइफ साइकिल सिल्क वार्म की स्टडी करना है और प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखना है। साथ ही साथ नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, मेंटेनेंस ऑफ फ्रेश वाटर एक्वेरियम, मेंटेनेंस ऑफ फ्रेश वाटर एक्वेरियम, तो आपको ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है एक्सरसाइज बेस्ड ऑन अप्लाइड जियोलॉजी में, कि फ्रेश वाटर एक्वेरियम कैसे मेंटेन किया जाता है, इसके बारे में आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल लिखना है। फोर्थ में देखिए एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एनिमल बिहेवियर, तो एनिमल बिहेवियर पर बेस्ड एक्सरसाइज आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। तो इसमें आपको यहाँ देखिए ध्यान से, वेयर डू फीड डिसीजन मेकिंग इन पिजन, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ध्यान दीजिएगा, वेयर डू फीड, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, वेयर डू फीड डिसीजन मेकिंग इन पिजन,
तो आपको ये क्या करना है, ये प्रैक्टिकल लिखना है कहाँ पर आपका, एनिमल बिहेवियर पे। ध्यान दीजिए, यहाँ वेयर डू फीड, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग इन पिजन्स। स्पॉटिंग में अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो स्पॉटिंग में स्पेसिमेंस में यहाँ पर आपको अलग अलग फाइलम्स की स्पेसिमेंस दी गई हैं स्पॉटिंग के लिए। तो फाइलम पीसीस, ये सारे स्पॉटिंग्स हैं। फाइलम एम्फीबियस, ये सारे स्पॉटिंग हैं। ठीक है, इन स्पॉटिंग्स को क्या करना है, आपको लिखना है आपने स्पेसिमेंस देखे भी हैं लेबोरेटरी में। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में प्रिपेयर करना है, रेडी करना है, लिखना है। यहाँ फाइलम रेप्टिलिया से, रेप्टाइल से भी कुछ स्पेसिमेंस आपको दिखाया गया है, तो इन सभी को आप क्या करेंगे, लिखेंगे। तो ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे स्पॉटिंग्स हैं, और स्पॉटिंग में मेनली स्पेसिमेंस। वहीं स्लाइड की बात करें, तो स्लाइड में आपको फिश स्किन, डिओडिनम में मैमल्स, डिओडिनम ओनली मैमल्स, लीवर की बात की जाए तो लीवर में एम्फीबिया मैमल्स, इंटेस्टाइन की बात की जाए तो केवल मैमल्स इंटेस्टाइन के बारे में, ओवरीज, ओवरीज में एवीज, फिशेस एंड मैमल्स, टेस्टिस में एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स, इनके बारे में क्या करना है, आपको स्लाइड दिखाई जाएगी। तो इन स्लाइड्स को क्या करना है, आपको डिस्टिंग्विश करके, पहचान करके लिखना है। नेक्स्ट बात करें बोन्स की, तो बोन्स में पेल्विक गर्डल, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स की, एविस की और मैमल्स की। पेक्टोरल गर्डल, अगेन एम्फीबिया की, एविस की, रेप्टाइल्स की, मैमल्स की। टिबिया फिब्यूला, एम्फीबिया, एविस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो इनके बारे में ये बोन्स आपको क्या किए जाएंगे, दिखाए जाएंगे अगेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बोन्स में भी आपके दो स्पॉटिंग में आने वाले हैं। फिर नेक्स्ट बचता है आपका वाइवा और सेशनल। तो इस तरह से आपको क्लियर, आपको पता चल गया कि आपको प्रैक्टिकल में क्या क्या लिखना है। तो ये था आपका कंप्लीट लिस्ट की प्रैक्टिकल फाइल या प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आपको कैसे मेंटेन करना है, क्या टॉपिक आपको लिखना है। इसके अलावा आप क्या कर ध्यान देंगे, ठीक है, आपकी जो डायग्राम होगी, ठीक है, डायग्राम बहुत क्लियर बनाइएगा, क्योंकि आपको थ्योरीज में भी ये क्या करेंगी, ये डायग्राम्स हेल्प करेंगी। और साथ ही साथ प्रैक्टिकल का जो भी प्रिंसिपल वगैरह है, थ्योरीज हैं, उन सभी को आप क्या करें, अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से पढ़ें और अच्छे से प्रिपेयर करें। आगे वाइवा में आपको ये सारी चीज़ें बहुत काम आएंगी। तो आई होप आप सभी को अब क्लियर हो गया होगा कि आपको प्रैक्टिकल्स में क्या क्या लिखना है और क्या क्या चीज़ें नहीं लिखना है। अगर कुछ भी डाउट है तो फिर आप कमेंट्स बॉक्स पे अपना मैसेज टाइप कर दीजिएगा, वहाँ से हम क्या करेंगे, कोई भी डाउट है तो देखेंगे कि आपको क्या डाउट हो रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे, और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।